सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, एनटीए की वेबसाइट मैंने अभी खोली तो इसमें एक नोटिस आया है। नोटिस जो आया है वो आया है पीजी के बच्चों के लिए। ओके, तो नोटिस कुछ इस प्रकार का है, करेक्शन विंडो, यानी कि अगर जिन भी बच्चों ने पीजी का कोई फॉर्म भरा है कोई भी लेवल का, और अगर उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है उसके कोई भी डिटेल्स को लेके या एग्जामिनेशन सेंटर को लेके, जो कि अब कुछ दिनों बाद पीजी के भी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी बच्चे ने भी अपना करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। तो करेक्शन का जो टाइम दिया है उन्होंने 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक कर सकते हैं, और पेमेंट वगैरह भी अगर उसमें कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो है 24 अगस्त का। लेकिन जो क्रेडेंशियल यानी कि जो आपकी डिटेल्स है, जो आपका डेटा है, वो केवल 21 अगस्त से 23 अगस्त तक है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने पीजी के लिए भरा है वो इसे ध्यान से सुन लीजिए। सब्जेक्ट है, 21 अगस्त को आया है, ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET पीजी, यानी कि केवल पीजी वाले बच्चों के लिए, यूजी वाले बच्चों का कोई मतलब नहीं इससे। इन द कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस डेटेड 12/7/22, एनटीए हैज डिसाइडेड टू ओपन द करेक्शन फैसिलिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पीजी। ठीक है, तो जो नोटिस 12 जुलाई को आया था उसी के रिगार्डिंग ये आपका करेक्शन विंडो उन्होंने फिर से खोला है, और इसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। कई बार बच्चों के लास्ट मिनट कभी हम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कभी मान लीजिए अगर हम देहरादून में सेंटर भरा है और हम अचानक से चंडीगढ़ हमें जाना पड़े उस टाइम पे, तो उन बच्चों के लिए मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। तो आप देख लीजिए बच्चों, करेक्शन विंडो है, किसी को भी करेक्ट कोई भी डिटेल्स करनी है या कुछ भी डिटेल अगर आपका छूट गया तो वो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, suman.thakur2122। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेटेड जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।